बैक माई यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं आज आपको मेरी एक शॉर्ट वीडियो है उस पर बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट आए, अपने अपने मत से सबने कमेंट किए, बोला मुझे क्या अकल नहीं है, आप लड्डू गोपाल को किचन में स्नान करा रहे हैं। तो हुआ क्या है, उस टाइम में मैं लड्डू गोपाल को अपने मायके लेकर गई थी और वहाँ पर शादी का माहौल था, उस दिन का टाइम है, वो मैं लड्डू गोपाल को किचन में स्नान करा रही थी। तो लोगों के कमेंट आए कि आपको किचन में स्नान नहीं कराना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ उठ करके झाड़ू पोछा करके सबसे पहले किचन में ही झाड़ू पोछा उसको क्लीन किया जाता है, उसके बाद ही स्नान करने के बाद सबसे पहले फिर लड्डू गोपाल को स्नान किया जाता है, पूजा की जाती है मंदिर में। तो मैंने उसी प्रकार, और उस दिन का वीडियो है वो जिस दिन हम भाभी को विदा करा करके अपने घर लाए थे और हमारा घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और घर में मंदिर के पास कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी, सामान आ करके घर में रखा हुआ था, गेस्ट भी थे तो वहाँ पर मंदिर के पास जगह नहीं थी हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए। तो मैंने उस दिन लड्डू गोपाल को किचन में स्नान कराया। पहले साफ़ शुद्धता का बहुत ख्याल मैंने भी रखा है, मुझे भी पता है लड्डू गोपाल को कहाँ स्नान कराना चाहिए और कहाँ नहीं कराना चाहिए और शुद्धता का क्या ध्यान रखना चाहिए। बाकी के झूठे बर्तन हमारे यहाँ पर शादी के माहौल में वहाँ पर किचन में नहीं हो रहे थे क्योंकि खुला हुआ है पीछे, तो वहाँ पर एक जो लकड़ी का बास्केट है वो ले लिया था, उसमें सारे बर्तन धोए जा रहे थे वहाँ पर और वहाँ पर ही रखे जा रहे थे बाहर आंगन में। किचन में कोई भी जूठे बर्तन नहीं आ रहे थे और ना ही रखे जा रहे थे किचन में सिंक में। तो मैंने लड्डू गोपाल को साफ सफाई का बहुत ही अच्छे से उनका ध्यान रखा है, मैंने तभी उनको स्नान कराया है किचन में। तो बहुत सारे लोगों के आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा, मेरे पास काफ़ी लोग इसको बोलते हैं कि आपको किचन में स्नान नहीं कराना चाहिए लड्डू गोपाल को, कि आपके यहाँ बर्तन साफ नहीं होते हैं वहाँ पर। तो उस टाइम पर शादी के माहौल में वहाँ पर नहीं हो रहे थे, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का आया था ये कमेंट। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ये वीडियो बना करके मैं आपको पोस्ट करती हूँ, भेजती हूँ, मैं बताती हूँ कि क्या माहौल था उस टाइम का जो मैंने लड्डू गोपाल को किचन में स्नान कराया। मैं अपने लड्डू गोपाल को जहाँ भी जाती हूँ ज़्यादा समय के लिए ले करके ही जाती हूँ और मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ, और हमें जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर जैसी सुविधा मिलती है हम अपने लड्डू गोपाल को उसी अवस्था में अपने साथ रखते हैं और उनकी केयर करते हैं। तो आप सभी को कैसा लगा वो मेरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मैंने वो वीडियो पोस्ट किया है, इस वीडियो में ऐड किया है, तो बताइएगा। बहुत ही अच्छे व्यू आए हैं उस वीडियो पर मेरे, और बाकी की सारी वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे सभी भक्तों को। मेरे गोवर्धन गिरधारी वो नारज हमारी, मेरे गोवर्धन। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।